बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको यार इकामा एक्सपायर है या मेरा हरूब है या मैं मतलूब वाले तो चंद एक बंदे होते हैं, लेकिन मेरे पास तो ऐसे केस भी आते रहते हैं। आपको पता है मुख्तलिफ वीडियोस में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करता रहता हूँ, यानी कि आपको सऊदी अरब के मतलब कोई भी किसी किस्म का मसला है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर भाई जितना मुझे इल्म हुआ मैं आपको बता दूंगा। हाँ, व्हाट्सअप के ऊपर कुछ भाइयों को पिछले 2 दिन से लेट रिप्लाई मिल रहा है। उसकी वजह ये है जी कि मेरी वालदा की तबीयत नासाज है। मैं कल भी हॉस्पिटल में था और आज भी उन्हीं को लेकर था, तो आप भाइयों से दुआ की अपील है बस यार। तो इसीलिए सबको जो व्हाट्सअप के ऊपर यानी कि उनको रिप्लाई लेट मिल रहा है। तो बहरहाल जी व्हाट्सअप नंबर भी मुख्तलिफ वीडियोज़ में दिखाता रहता हूँ मैं आपका। उसकी वजह ये होती है कि आपको कोई किसी किस्म का मसला आप मुझसे पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आप सऊदी अरबिया से किसी भी वजह से पाकिस्तान आए हैं तो आप दोबारा जाना चाह रहे हैं, चाहे आप कोरोना पाबंदियों में फंसे हुए आ गए हैं या आप हरूब की सूरत में जेल की, यानी किसी भी वजह से, और अगर आप वहाँ पर सऊदी अरब में रह कर भी अपना स्टेटस वगैरह कुछ चेक करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इसके लिए खरूज पेपर एंड मतार पेपर निकलवाते हैं बंदों का, अल्हम्दुलिल्लाह उससे पूरी डिटेल बंदे की साफ के लिए सामने आ जाती है। तो अभी मैं आपको ये भी बता दूं, अगर इकामा एक्सपायर है तो इस वक्त की जो तादाद सहूलतें सामने आ रखी हैं वो ये है जी कि जिन बंदों के इकामा एक्सपायर हैं उनको तो शुरता अगर पकड़ता है तो 2-3 घंटे बाद छोड़ देता है, ठीक है जी, क्यों जाए अपने कफ़ील के पास अपना इकामा लगवा लें। लेकिन जिन बंदों के 2 से 3 इकामे या इससे प्लस में एक्सपायर हैं उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है, यानी कि उनको छोड़ा भी नहीं जा रहा। हाँ, जिनका 1 या 2 एक्सपायर है उनको, हाँ, छोड़ने में अगर कोई आए तो भाई किसी के 5 में एक्सपायर है उसको भी छोड़ सकता है, ये तो उनके दिल की बात है। लेकिन अगर वो डिपोर्ट करने के ऊपर आए तो डिपोर्ट भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपका कफ़ील जिज़ान का और आप जद्दा में किसी दोस्त के पास ही क्यों नहीं आए हुए हैं, तो पकड़ लेगा आपको, तो बदून की फील डालकर आपको डिपोर्ट कर देगा। आप बोलेगा जिसका इकामा भी एक्सपायर था साथ में, ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपको मैं रिपोर्ट्स जो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ इसमें सबसे पहले एक चीज़ के ऊपर मैं नज़र डालूंगा भाई तरहील, यानी कि तरहील से मुराद आपको पता डिपोर्ट हुआ पिछले 6 से 7 दिनों में। ये रिपोर्ट्स वीकली में आपसे वजारत दाखिलिया की कंफर्म रिपोर्ट होती है। अच्छा, इसमें देख लें जी 11,840 बंदे हैं, 11,840 बंदे पिछले 6 से 7 दिनों में डिपोर्ट सऊदी अरबिया से निकाले गए हैं। इनमें इकामा एक्सपायर, हरूब, मतलूब या कोई भी किसी किस्म के केस वाले बंदे, ठीक है जी। अभी मुकम्मल डिटेल सुन लें। 15,734 अफराद इस पिछले 6 दिनों में गिरफ्तार किए गए हैं सऊदी अरबिया में। कौन कौन से, ये कुछ बंदे बोलते हैं जी कि यार टेंशन फ्री होकर जाएँ आएँ कोई मसला नहीं है, ये डिटेल सुन लें इनकी। सबसे पहले मुखालफा निज़ाम इकामा, इनके दाखिल 8,732 अफराद हैं, यानी कि 9,000 के करीब बोल रहे हैं बंदे जिन बंदों के इकामे एक्सपायर थे उनको उठाया गया है, ठीक है। आ गया जी मुखालफा निज़ाम अमन अलहदूद, ये हैं जी 4,180 अफराद। और इसके आगे जी मुखालफा निज़ाम अमल, ये है जी 2,822 अफराद। अच्छा, ये वो हैं जी 2,829 बंदे वो हैं जो किसी फ़र्दी मुसस्से में आ गए या किसी भी बंदे के नाम के ऊपर, यानी कि आ गए साइखा सामल मंजली या कोई और महना लेकर, और उसके साथ कफ़ील के साथ एग्रीमेंट कर लिया और बाहर का अपना काम ढूंढे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वहाँ से पकड़े गए तो बदून कफ़ील डालकर वो डिपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादातर साइखा से आमल मंजली वगैरह वाले जो होते हैं ना वो डिपोर्ट होते हैं। अगर आमल वगैरह वाले महने वाले कुछ होते हैं ना, अगर ऊपर से इकामा भी वैलिड हो तो उनको जल्दी वो डिपोर्ट नहीं करते हैं, इकामा देखकर वैलिड है तो छोड़ देते हैं। हाँ, साय खास आमल मंजिल एक ऐसा मैंने हारस हो गया कि ये जब किसी भी हाथ लग जाएंगे ना बाहर कहीं काम करते हुए को और, तो फिर छूटता इनको जल्दी छोड़ता नहीं है।